हेलो बच्चों, वेलकम टू डीजेनाथ क्रिएशन। सो ये हमारा शेड्यूल है। मंडे को मैथ्स, ट्यूसडे को साइंस, वेंसडे को इंग्लिश, थर्सडे को मैथ्स, फ्राइडे को साइंस एंड सैटरडे को इंग्लिश। और बच्चों, अगर तुम्हें रोज़ मैथ क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हो डेली मैथ्स, तो उस बेसिस पे हम रोज़ मैथ्स का वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.2 का बात करते हैं। सो 1.2 का नंबर एट तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एट तक का लिंक यहां पर आई बटन पे तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। सो 9, 10, 11, 12 आज हम देखने वाले हैं। सो नंबर 9 क्या बोला गया है, टू स्टीच ए शर्ट 2 meter 15 centimeter क्लॉथ इज नीडेड। एक कपड़ा सिलने के लिए, टू स्टीच ए शर्ट, एक शर्ट सिलने के लिए, मान लेते हैं ये वाला है शर्ट। सो ये है हमारा शर्ट। तो ये शर्ट को सिलने के लिए कितना चाहिए, 2 meter and 15 centimeter क्लॉथ चाहिए। टोटल क्लॉथ उसके पास कितना है, 40 है। तो कितना सारा शर्ट बन सकता है बोला गया है। तो अगर सेंटीमीटर में छोटा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कम्प्लीटली सेंटीमीटर में सबको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ओके लुक, तो कपड़ा कितना है, 2 meter 15 centimeter, तो इसे भी 2 meter को भी हम किसे कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो दैट इज़, हमें पता है 1 meter कितना, 100 centimeter है। देयरफॉर 2 meter कितना सेंटीमीटर होगा, 200 centimeter, 2 into 100 plus 15 centimeter, तो सभी को ऐड करने से कितना आया, 215 centimeter। तो टोटल कपड़ा कितना था, 40 meter का था। तो 40 into 100 करने से कितना सेंटीमीटर आएगा, ना दैट इज 4000 centimeter। तो अभी हम इजीली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 215 and 4000 को, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो 215 बचा कितना, 185, 0 को नीचे लाए, 2158 जाओ, 1720 और बचा कितना, 130। तो हम कम्प्लीटली कितना शर्ट्स बना सकते हैं, 18 शर्ट बना सकते हैं और इतना सारा 130 कपड़ा बच जाएगा। सो देयरफॉर 18 शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड 130 centimeter, दैट इज़ 1 meter 30 centimeter क्लॉथ विल रिमेन। इतना कपड़ा और बच जाएगा। टोटल हम लोग का कितना शर्ट्स बनेगा, ना 18 शर्ट्स बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर फिर भी कोई डाउट है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो, श्योरली आई विल सॉल्व योर डाउट। नेक्स्ट नंबर 10 क्या बोला गया है, मेडिसिन इज पैक्ड इन ए बॉक्स ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। तो मेडिसिन्स को एक बॉक्स के अंदर पैक किया गया है एंड एक का वजन कितना हो रहा है ना, 4 kg 500 ग्राम हो रहा है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो कितना सारा बॉक्सेस हम इस तरह से भर सकते हैं वैन में, जो कि अबव 800 kg नहीं जाएगा। मीन्स ओके सी, तो अगर हम देखें एक बॉक्स का वजन कितना है, 4 kg 500 ग्राम है। ओके बच्चों, तो एक वैन है, तो ये जो वैन है, ओके आई नो ड्राइंग बहुत बढ़िया बना है, तो यहाँ पर ये वैन जो है टोटल कितना केजी ऑफ बॉक्सेस ले पाएगा, कितना बॉक्सेस ले पाएगा, बट यहाँ पर वो हमें क्या बोल दिए, 800 से ज़्यादा वो नहीं ले सकता है, ये हमें बोल दिया गया है। ओके, तो टोटल वो कितना सारा बॉक्सेस ले सकता है, तो फिर 800 के अंदर जितना भी बॉक्सेस आएगा सब वो ले सकता है फिर। तो वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है ना, 4 kg 500 ग्राम। तो देखो, अगर छोटा यूनिट दिया है तो पॉसिबिलिटी यही है कि छोटा यूनिट में चेंज कर देंगे। तो 4 kg 500 ग्राम, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 4 kg हो जाएगा 4000 ग्राम, प्लस 500 का 500, तो 4500 ग्राम हो गया। 800 kg
का अगर हम करेंगे इसे ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो दैट विल बी हम लोगों का हो जाएगा 800,000 ग्राम। ओके, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितना बॉक्सेस वो वैन में हम रख सकते हैं उसके लिए हम कर देंगे यहाँ पर डिवाइड 4500 डिवाइड बाय 8 लाख डिवाइड बाय 4500 4500 सब्सट्रैक्ट किए तो कितना आया 3500 और एक ज़ीरो नीचे उतारे 4500 इंटू 7 किए तो दैट इज़ 31,500 आया कितना 3500 जीरो एक नीचे लाए फिर से 7 के साथ किए तो 31500 रिमाइंडर में कितना बचा 3500। तो टोटल अगर हम देखें हम लोग का टोटल कितना बॉक्स वो गाड़ी के अंदर हम ले सकते हैं दैट इज़ 177 बॉक्सेस हम वो गाड़ी के अंदर डाल सकते हैं अदरवाइज वो गाड़ी कैरी कर सकता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट नंबर 11 क्या बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो ये वाला मान लेते हैं, ये क्या है इसका स्कूल एंड ये है उसका घर। तो स्कूल एंड घर के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे शी वॉक्स, वो जो लड़की है वो दोनों मतलब यहाँ से इतना 1 किलोमीटर जाती है फिर 1 किलोमीटर 875 मीटर आती है। तो ये 1 किलोमीटर 875 जाती है फिर से आती है तो इसे क्या कर देंगे 1 km 875 मीटर फिर से 1 किलोमीटर 875 मीटर दोनों को ऐड कर देंगे वैल्यू निकलेगा तो एक दिन वो टोटल कितना किलोमीटर चलती है हमें पता चल जाएगा। तो देखो तो 1.875 किलोमीटर वो क्या होता है स्कूल से घर जाती है फिर घर से स्कूल जाती है। ओके, और घर से स्कूल स्कूल से घर वो जाती है तो उसका टोटल एक दिन में तो सुबह क्या होता है वो घर से निकलती है कहाँ जाती है स्कूल में फिर से स्कूल से कहाँ जाती है घर जाती है तो दो बार वो वॉकिंग करती है तो दो बार में कितना किलोमीटर वो टोटल एक दिन में ट्रैवल करती है ना दैट इज 3750 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 750 मीटर। ओके, तो अगर 6 दिन तक अगर वो डिस्टेंस कवर की तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 6 दिन में तो हमें करना है मल्टीप्लाई तो 3750 इंटू 6 कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने से हम लोग का वैल्यू आएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। सो 6 दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ना 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट नंबर 12, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डियर स्टूडेंट्स एंड लाइक करो। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करो, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। सो नेक्स्ट नंबर 12, ए वेसल हैज़ 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड। एक वेसल है उसमें कितना है दही, कर्ड मीन्स क्या है, कर्ड मीन्स क्या जल्दी से कमेंट सेक्शन पर मुझे बताओ, कर्ड मतलब हिंदी में क्या बोला जाता है। तो कितना है 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड है। ओके, इन हाउ मैनी ग्लास ईच ऑफ द कैपेसिटी ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। ओके, तो अगर ये बड़ा सा वेसल में 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड है, एक छोटा सा ग्लास है, अगर इसका साइज़ कितना 25 ml है तो ये जो 4 लीटर 500 ml कर्ड है इस तरह का कितना ग्लासेस में हम फिलअप कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ग्लासेस में। ओके, सो नेक्स्ट, तो अगर हम देखें कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन ए वेसल्स कितना है 4 लीटर 500 ml तो इसे अगर हम पूरा ml में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4 लीटर मीन्स 4000 ml प्लस 500 4500 ml हो गया। एक ग्लास का साइज़ कितना है 25 ml डिवाइड कर देंगे 25 तो बचा कितना 20 जीरो लाए तो 25 8 जा तो कितना आएगा दैट इज़ 200। तो हमारा यहाँ पर आ गया
200 एंड यहाँ 0 0 का 0, तो 180 ग्लासेस हम लोग का टोटल आ गया। अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या था 25 से किए थे, फिर हम लोग का कितना आया था 0 आया था, 10 लाए, तो यहाँ पर कितना 200 0 और एक बचा ये वाला 0 नीचे लाए, तो 0 0 कर दिया, 25 0 0 0, तो 180 ग्लासेस आ गया। तो देयरफॉर टोटल कितना ग्लासेस हम फिलअप कर सकते हैं, 180 ग्लासेस हम फिलअप कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कुछ भी डाउट है बच्चों तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बच्चों।